हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं जो औसत वेग है, तात्क्षणिक वेग और आरंभिक वेग है। प्रारंभिक वेग को बोलते हैं जो स्टार्टअप वेलोसिटी होती है इसकी। तो पहले अपन ने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया का वेग और रासायनिक अभिक्रिया के वेग के क्या क्या पद थे, उसके बारे में पढ़ा था। अभिकारक और उत्पादों के सांद्रता के बारे में पढ़ा था, उसकी सांद्रता में परिवर्तन किस प्रकार से होता है समय के साथ, तो वो सभी घटनाएं हमने पढ़ी थी। आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर औसत वेग कि क्या होता है औसत वेग। तो मान लीजिए सांद्रता c है, कंसंट्रेशन क्या है c है। यदि सांद्रता c तथा समय t हो तो हम देखेंगे ये मान लीजिए ग्राफ है, इस ग्राफ में विकास की सांद्रता लगातार क्या हो जाएगी यहाँ पर कम होती जा रही है। ये तो इसकी सांद्रता है, इसको आपने सी से प्रेजेंट किया और ये समय है, इसको आपने टी से प्रेजेंट किया। मान लीजिए यहाँ पर सी वन सांद्रता है और सी वन सांद्रता में जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा टी वन हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ कुछ समय पश्चात आपने फिर आपने ऑब्जर्व किया तो सामने यहाँ क्या हो गई टी टू हो गई, तो उसके साथ आपका टाइम क्या हो गया यहाँ पर टी टू हो गया। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि यहाँ सी वन से लेकर के सी टू के मध्य का जो वेग है, जब इसका अपन औसत निकालते हैं उसी वेग को अपन क्या बोलते हैं औसत वेग कहते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे औसत वेग कहेंगे। तो औसत वेग कंडीशन के अंदर आपका क्या हो जाएगा औसत वेग v बराबर सांद्रता है, सांद्रता क्या है आपकी डेल्टा c है और टाइम क्या है आपका डेल्टा t है। और यहाँ पर यदि अभिकारक की बात करें तो प्लस आएगा और यदि उत्पाद की बात उत्पाद सॉरी अभिकारक की बात करें तो माइनस, उत्पाद की बात करें तो प्लस। तो माइनस इसको अभिकारकों की सांद्रता में कमी को प्रदर्शित करेगा और प्लस उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि को प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि v इक्वल प्लस माइनस डेल्टा c अपॉन डेल्टा t। तो प्लस दोबारा बता रहा हूं मैं, प्लस का मतलब उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि और माइनस का मतलब अभिकारकों की सांद्रता में कमी। तो इस प्रकार से आपका औसत वेग बाहर निकल के आता है जहां पर डेल्टा c बराबर क्या हो जाएगा C2 minus C1 और डेल्टा T बराबर हो जाएगा T2 minus T1। C1 यहाँ प्रारंभिक सांद्रता और C2 इसकी अंतिम सांद्रता है, T1 यहाँ पर प्रारंभिक टाइम और T2 यहाँ पर अंतिम समय है। तो इस प्रकार से क्योंकि अपने सांद्रता में परिवर्तन और समय परिवर्तन का अनुपात ठीक है आपका अभिक्रिया का वेग है, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में प्रति इकाई समय में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है आपका रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अब बात करते हैं अपन तात्क्षणिक वेग की, तो ये तो औसत वेग का तात्क्षणिक वेग। मान लीजिए अब कोई बाइक चला रहे, बाइक चलाते चलाते अपनी जो नजर है वो स्पीड मीटर पे जाती है, रेस मीटर पे जाती है। अपन क्या देखते हैं कि 55 के ऊपर सुई है, इसका मतलब क्या हुआ उसकी स्पीड कितनी उस टाइम 55। वो जब आपने रेस एक्सलेटर पे खींचा तो उसकी स्पीड 55 से 60 हो गई, 65 हो गई। तो जिस समय आपने देखिए उसका वेग देगा वही वेग क्या कहलाता है आपका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। वो कि वही घटना रासायनिक अभिक्रियाओं में होती है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी क्षण उस अभिक्रिया का वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। क्या परिभाषा हुई इसकी, किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी क्षण उस अभिक्रिया का वेग उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। मान लीजिए ये इसका ग्राफ, ये सांद्रता और ये अभिक्रिया में सांद्रता में होने वाला परिवर्तन है। मान लीजिए ये
सीवन सांद्रता इवेपोरेशन का जो टाइम है वो क्या हो जाता है T1 रहता है। कुछ समय बाद यहाँ आप देखते हैं कि C2 तो ऊपर इसका टेम्परेचर क्या जाएगा T2 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ जो ये परिवर्तन आया है ये क्या आ गया डेल्टा सी आ गया और यहाँ से यहाँ का जो परिवर्तन वो क्या आ गया डेल्टा टी आ गया। अब बात कर रहे हैं अपन ताक्षणिक वेग। ताक्षणिक का मतलब कि ये जो ढाल है इस ढाल के किसी भी बिंदु पर जब आप एक स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये स्पर्श रेखा का ढाल ही ताक्षणिक वेग को प्रदर्शित करता है और इसका जो ताक्षणिक वेग होगा इसका जो ढाल होगा ये tan थीटा के बराबर होता है। tan थीटा के बराबर तो होता है क्योंकि आधार बटा लंब एक पाइथागोरस प्रमेय है उसके अकॉर्डिंग आधार और लंब का सूत्र क्या निकाल सकते हैं त्रण निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि ताक्षणिक वेग है जो है v वो किसके बराबर होगा यानी टाइम डेल्टा t जिसके अग्रसर होना चाहिए 0 की ओर अग्रसर होना चाहिए जो लिमिट है डेल्टा t की जो लिमिट है वो कितनी जानी चाहिए 0 की ओर जानी चाहिए यानी प्लस माइनस चाहे वो अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो डेल्टा c / डेल्टा t यही क्या है आपका ताक्षणिक वेग है जिसकी अपन डेल्टा सी का अपन अवकलज भी कर सकते हैं सांद्रता के सापे और टी का भी कर सकते हैं। तो सांद्रता क्या हो जाएगा डीसी / टी क्या हो जाएगा डीटी प्लस हो जाए माइनस प्लस उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि और माइनस उत्पादों की जो सॉरी माइनस जो है अभिकारकों की सांद्रता में कमी को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से अपना आता है यहाँ पर ताक्षणिक वेग और जो ताक्षणिक वेग है डीसी / डीटी dc/dt तो लंब बटा था इसके बराबर होता है tan थीटा के तो ये किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पर tan थीटा के बराबर हो जाएगा यानी ताक्षणिक वेग किसके बराबर है ढाल के और ढाल किसके बराबर है tan थीटा के बराबर है। ये tan थीटा के बराबर हुआ तो इस प्रकार आप देखा कि ताक्षणिक वेग क्या होता है। अब बात करते हैं अपन आरंभिक वेग की कि आरंभिक वेग क्या होता है। आरंभिक यानी प्रारंभ में कोई भी रासायनिक प्रतिक्रिया है समझ लीजिए आरंभिक वेग के बारे में अपन पढ़ रहे हैं के अंदर ये ग्राफ ये यहां से शुरू हुआ है यानी t बराबर 0 पर t बराबर क्या है यहां पर 0 है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में t बराबर 0 समय पर जो उसका वेग होता है वह उसका आरंभिक वेग कहलाता है। क्या कहलाता है उसका आरंभिक वेग कहलाता है। मान लीजिए सांद्रता इसके C1 है C1 के ऊपर क्या जाएगा T1 और C2 पे क्या जाएगा T2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपन जो है आरंभिक वेग को भी इसी पद के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आरंभिक वेग बराबर डेल्टा सी / डेल्टा टी प्लस माइनस समय क्या हो बराबर 0 ठीक है। और ये जो है बराबर होगा tan थीटा बराबर होगा इसका ढाल जो होगा ये जो ढाल है तो इस पॉइंट के ऊपर आप क्या कहते हो स्पर्श रेखा कहते हो। तो ये पॉइंट जो आप स्पर्श रेखा कहते हैं ये t बराबर 0 पर है तो ये किसको प्रदर्शित करेगा इसके आरंभिक वेग को प्रदर्शित करेगा। तो अपन ने तीनों पद देखे औसत वेग
तात्क्षणिक वेग और आरंभिक वेग, औसत वेग को औसत निकालते हैं, तात्क्षणिक वेग कुछ निश्चित क्षण से ऊपर उसका वेग कहते हैं और आरंभिक वेग में t बराबर 0 से लेकर vt का वेग कहते हैं। जब आपके पीछे शुरू ही होती है तो उस समय का वेग है आपका आरंभिक वेग। तो इसके साथ अपन अपना टॉपिक यहीं पर